हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के बारे में। तो बता दें आप लोग, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना के आप लोग को सूचित किए थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली अभी हमारे बिहार में होने वाली है, तो उसी के संबंध में एक आज जो है न्यू अपडेट निकल के आई है, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो आप लोग को बताना चाहेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा हर एक जानकारी के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप लोग को सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहेंगे, अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हमने तीन वीडियो बनाए हैं। तीनों वीडियो का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट होगा और आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए क्या है अपडेट, आइए देख लेते हैं। तो आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में अभी कई रोड़े बाकी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो है बहुत सारे रोड़े बाकी है। तो आप लोग को बता दें, एग्जांपल के तौर पे देख पाएंगे, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अब तक आईटी सेल का भी गठन नहीं हो पाया है। इसी के साथ आप लोग को बता दें, 2017 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब जो है 10,000 के आसपास राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें खाली है विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, लेकिन अब तक जो है आयोग के पास नहीं आई रिक्तियां ही नहीं भेजा गया है आयोग के पास। तो कैसे यहाँ पे वैकेंसीज अभी आएगी, तो बता दें आप लोग को, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अभी कई रोड़े बाकी है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे अपडेट को। तो देख पाएंगे, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने गठन 2017 में ही हो गया था, लेकिन अब तक आयोग को रिक्तियां नहीं मिली। रिक्तियां जो है सामान्य प्रशासन विभाग या फिर शिक्षा विभाग में आनी है। जब तक रिक्तियां आएगी तब तक बहाली निकालना जो है संभव नहीं होगा। वैसे अनुमान है कि 8 से 10 हज़ार रिक्तियां है, तो 8 से 10 हज़ार रिक्तियां है, और जब तक जो है सामान्य प्रशासन विभाग या फिर शिक्षा विभाग को रिक्तियां जो है नहीं मिलती है, तब तक रिक्तियां यहाँ पे नहीं आएगी। तो देख पाएंगे यहाँ पे कर्मियों की भी कमी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे कमी है, आयोग में जो है कर्मचारी चयन और आयोग की भी कमी है। तो अभी यहाँ जो है आप लोग को बता दें, 4 जो है सचिवालय सहायक है, और आयोग ने जो है उप सचिव डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक कर्मचारियों की मांग की गई है। तो आप लोग को बता दे, कुछ ऑनलाइन आवेदन पर बनी सहमति। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट यहाँ पे है। अभी जो है आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगने पर सहमति बनी है, लेकिन अब तक जो यहाँ आईटी सेल का भी सक्रिय नहीं हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन मांगना और उनका जो है वर्गीकरण करने का काम रुकेगा। आयोग के जो अधिकारियों के अनुसार अभी आईटी सेल गठित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, जबकि 2 महीने में बहाली जो है निकालने का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। तो आप लोग को डियर फ्रेंड्स बता दें, अभी लगभग जो है 8 से 10 हज़ार पदों पर आप लोग का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट खाली है। इस पदों पर आप लोग का जो है अप्रैल के बाद से आप लोग का जो यहाँ पे बहाली आएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और आप लोग को बता दें, अधिक जानकारी आप लोग को दे दिए, और अगर इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, इसकी आप लोग को जो है जानकारी अगली वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो में इतने आप लोग को अपडेट देना था, जो कि न्यू अपडेट निकल के आई थी। आशा करेंगे आप लोग को ये छोटी सी अपडेट, छोटी सी जानकारी पसंद आया, जानकारी यूजफुल लगा, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं बिहार की और एक न्यूज़ नोटिस और वैकेंसीज की जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।